ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क फेज 2 विकसित कर रहा है, जहां इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल किट बनाने वाली कंपनियों के लिए 30 भूखंडों की स्कीम निकाली जाएगी। स्कीम में भूखंडों का आवंटन ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। वहीं यमुना प्राधिकरण के मेडिकल डिवाइस पार्क के फेज 1 का काम जल्दी ही पूरा होने वाला है, इसीलिए यमुना प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क फेज 2 योजना लाने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना भारत सरकार की योजना है, जिसे देश के 4 राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में बन रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क का फेज 1 तय लक्ष्य के अनुसार प्राधिकरण ने 37 भूखंड आवंटित लक्ष्य रखा था, जिसको प्राधिकरण ने हासिल कर लिया है। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में 350 एकड़ में बनाया जा रहा है। देखिए, मेडिकल डिवाइस पार्क सेक्टर 28 में विकसित किया जा रहा है और भारत सरकार की परियोजना है, जिसमें देश के 4 राज्यों में परियोजना दी गई थी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक परियोजना का क्रियान्वयन हम लोग कर रहे हैं यमुना अथॉरिटी में, और फेज 1 में 37 प्लाट्स हमने अपने टारगेट सेगमेंट में अलाट किए हैं। अब 30 प्लाटों की एक फेज 2 की योजना हम लाने जा रहे हैं, जिसमें इन विट्रो डायग्नोस्टिक को ऐड करने जा रहे हैं।